अभी अभी खबर आई है और ये बहुत अच्छी खबर है, बहुत पॉजिटिव खबर है। अगर आप हमारे व्लॉग्स फॉलो कर रहे थे बोलो इंडिया के इंस्टाग्राम पे भी, अगर आपने देखा होगा कि कोरोना वायरस पे मैंने कुछ व्लॉग्स बनाए थे जो मैं आप लोग को मतलब इन्फॉर्म कर रहा था कि हाँ हाँ आपको इस तरह से बचना है, इस तरह से प्रिकॉशन लेना है, कोरोना वायरस है क्या। लेकिन अगर आप कोरोना वायरस की न्यूज़ जानते हो तो आप जानते हैं कि उसकी सीरियसनेस कितनी है। लेकिन अभी रिसेंटली ब्रेकिंग न्यूज़ इसी घंटे खबर आई है कि थाईलैंड ने निकाल लिया है कोरोना वायरस का तोड़। जी हाँ, मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ यार। थाईलैंड के एक डॉक्टर ने 71 साल की एक महिला जो कोरोना वायरस से अफेक्टेड हो गई थी उन पे उन्होंने ड्रग लगाई। और वो ड्रग कौन सी थी आप बिलीव नहीं कर पाओगे, एचआईवी पॉजिटिव, जो एड्स की जो ड्रग होती है, एचआईवी पॉजिटिव फ्लू और लैबीवेयर और रोटीनावेयर बोलते हैं, उन तीनों को समथिंग किसी तरह से मेडिकली मिक्स किया एंड वो उनको एप्लीकेशन दी गई थी। एंड जो महिला उठ नहीं पा रही थी वो अब एक्चुअली वो अपने बिस्तर से भी उठी एंड अभी कहा जा रहा है कि 90% 48 आवर्स के अंदर 90% वो ठीक हो चुकी हैं। सो दिस इज़ अ बिग न्यूज़, होपफुली दिस इज़ एकदम ट्रुथ है ये, कि मतलब अब तो सोल्यूशन निकल ही जाना चाहिए किसी ना किसी तरह से। चाइना के वुहान जो है वो एपी सेंटर है इस बीमारी का, तो वहाँ पर जल्द से जल्द ये पहुँचाई जाए और सबको ठीक किया जाए। यार मेरी तो यही प्रार्थना है कि और बिल्कुल भी कोरोना वायरस ना फैले। कितने लोग डरे हुए थे जिनको मालूम था, और सही बात है यार, सोचो इंडिया से देश में अगर फैल जाए, चाइना खुद ही पॉपुलेटेड है, इंडिया इतना मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड है, अगर हमारे बीच फैल गया, छींकना खांसना हाथ मिलाना ये इससे तो बहुत ज़्यादा फैल जाता। तो गुड न्यूज़ है दोस्तों, खुश रहिए। इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, मैं वैसे लाइक मांगता नहीं हूँ पर इस वीडियो पर कर दो अगर यहाँ तक देख रहे हो, बिकॉज समथिंग गुड हैज़ हैपेंड। एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। बाय बाय।